हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं परफेक्ट एक्शन अकाउंटिंग सॉल्यूशंस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टैली के कुछ महत्वपूर्ण शॉर्टकट की और ट्रिक जानेंगे। दोस्तों, अगर आप टैली में अकाउंटिंग करते हैं या फिर आप टैली सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, ये इस सीरीज का पार्ट टू है जिसमें हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की और ट्रिक सीखेंगे जो कि आपको टैली में अकाउंटिंग करने में बहुत ही हेल्प करेगा और जिससे आप फास्ट एंट्री कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आप टैली में मास्टर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, हो सकता है कि मैं जो ट्रिक आपको बताऊँ वो आपको पहले से मालूम हो। अगर मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं मालूम है तो इस वीडियो से आप उन ट्रिक्स को सीख करके टैली में अच्छे से अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने के लिए सबसे पहले हम टैली ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, हमारा सबसे पहला जो शॉर्टकट की है वो है Alt+B। ठीक है, आइए देखते हैं इसका क्या यूज है। दोस्तों, हमारे पास एक लेजर है, डिस्प्ले अकाउंट लेजर, राम अकाउंट। ठीक है, राम अकाउंट से दोस्तों हमने बहुत सारे परचेज किए हैं। ठीक है, आप जब टैली में अकाउंटिंग करेंगे तो हो सकता है कि बहुत सारा परचेज हो, 1000, 2000, 5000 परचेज का बिल हो सकता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे सैंपल के लिए बस इतना ही बिल लिया है। ठीक है, अब दोस्तों, आप जो परचेज का एंट्री पास करते हैं उन परचेज के एंट्री में अगर बिल वाइज डिटेल मेंटेन करते हैं तो ही ये ट्रिक काम करेगा। ठीक है, अदरवाइज ये ट्रिक काम नहीं करेगा। वैसे मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो भी परचेज और सेल का एंट्री करते हैं उसमें बिल वाइज डिटेल जरूर मेंटेन करें। ठीक है, इससे आपको अकाउंटिंग करने में बहुत ही आसानी होगी। अगर आप नहीं जानते हैं कि बिल वाइज डिटेल कैसे मेंटेन किया जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको पूरी डिटेल में उस पर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब दोस्तों, यहाँ पे जो परचेज का एंट्री किया हुआ है ये बिल वाइज डिटेल इसमें मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि आपको राम अकाउंट को पेमेंट करना है, तो आप इसका पेमेंट कैसे करेंगे? आप ऐसे करेंगे, यहीं पे Alt+A प्रेस करेंगे। ठीक है, पेमेंट वाउचर में जाएंगे, F5 प्रेस करेंगे, यहाँ पे आप राम का लेजर सेलेक्ट करेंगे, अमाउंट डालेंगे सपोज 2000 रुपीज। अब दोस्तों, यहाँ पे आपसे पूछता है टाइप्स ऑफ रेफरेंस। ठीक है, यानी कि एडवांस पेमेंट कर रहे हैं या किसी बिल के अगेंस्ट पेमेंट कर रहे हैं या फिर न्यू रेफरेंस है या ऑन अकाउंट है। ठीक है, तो एडवांस अगर पेमेंट कर रहे हैं तो एडवांस सेलेक्ट करेंगे, और अगेंस्ट रेफरेंस कब सेलेक्ट करेंगे? जब आप किसी बिल के अगेंस्ट में पेमेंट कर रहे हैं, तो जो भी बिल्स होगा, जो भी आपने राम अकाउंट से परचेज किया होगा, वो सारा का सारा बिल आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से उसे सिलेक्ट करके पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ तो 2-4 परचेज का एंट्री था तो आप आसानी से बिल को सिलेक्ट कर ले रहे हैं और पेमेंट कर दे रहे हैं। लेकिन अगर बहुत सारे इनवॉइस के अगेंस्ट में आपको एक बार में पेमेंट करना हो, 100-200 इनवॉइस का आपको अगर पेमेंट करना हो, तो क्या आप यहाँ पे एक एक बिल को सिलेक्ट करेंगे? ऐसा करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इसका एक उपाय है दोस्तों, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम लेजर में जाएंगे, जैसे राम अकाउंट का लेजर है। ठीक है, अब यहीं पे हम प्रेस करेंगे Alt+B। ठीक है, जैसे ही आप Alt+B प्रेस करेंगे दोस्तों, राम अकाउंट में जितना भी बिल पेंडिंग होगा पेमेंट करने के लिए, वो सारा का सारा बिल आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि आपको इस ऊपर वाले दोनों बिल का पेमेंट करना है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पे स्पेस प्रेस करना है, फिर दूसरे बिल पे भी स्पेस प्रेस करना है। ठीक है, ये दोनों बिल आपका सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, Alt+B फिर से प्रेस करेंगे। क्लियर दोस्तों, जब आप प्रेस करेंगे तो आपसे पूछेगा वाउचर का डेट, यानी कि किस डेट में आप पेमेंट करना चाहते हैं, वो डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अकाउंट पूछेगा, अगर कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो कैश का लेजर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, और अगर बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक का लेजर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे बैंक का लेजर नहीं बनाया है इसलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है, आपके पास अगर बैंक का लेजर होगा तो यहाँ पे वो जरूर दिखेगा। क्लियर है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों नरेशन अगर आप कुछ डालना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे बीइंग कैश पेड। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना होगा दोस्तों, इसे एक्सेप्ट करा लेना होगा। ठीक है, तो जब आप इसे एक्सेप्ट कराएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जो दो रेफरेंस सेलेक्ट किया था वो दोनों रेफरेंस यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुका है, आपको यहाँ पे जाकर के सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, आप इंटर करके एक्सेप्ट करा लेंगे। तो दोस्तों, इससे क्या होगा कि अगर यहाँ पे 200, 400, 500 एंट्री है, उसमें से अगर आपको 10 एंट्री, 20 एंट्री, 25 एंट्री का पेमेंट करना है,
ठीक है। तो बस आपको क्या करना होगा, स्पेस कर करके सेलेक्ट कर लेना है, ऑल्ट प्लस बी प्रेस करना है और पेमेंट कर देना है। क्लियर है दोस्तों। इसी तरह आप रिसिप्ट का भी एंट्री कर सकते हैं, जैसे हमने मोहन अकाउंट को सेल कर रखा है, ठीक है। अब इसे हमें रिसिप्ट करना है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, कुछ बिल का पेमेंट हमें कर दिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसे रिसिप्ट का एंट्री पास करना है। तो क्या करेंगे, यहीं पे हम ऑल्ट प्लस बी प्रेस करेंगे और जिस बिल के अगेंस्ट में रिसिप्ट हुआ है उस बिल को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ऑल्ट प्लस बी प्रेस करेंगे, डेट डालेंगे, यहाँ पे कैसे आप बैंक का लेजर सेलेक्ट करेंगे, नरेशन डालेंगे और एक्सेप्ट करा लेंगे और फाइनली फिर हम इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। तो इस तरह से आपका पेमेंट और रिसिप्ट का एंट्री आसानी से बिल वाइज हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों हमारा दूसरा शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस आर, कंट्रोल प्लस यू एंड ऑल्ट प्लस यू। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डिस्प्ले अकाउंट्स बुक और आ जाते हैं सेल रजिस्टर में, ठीक है। सेल रजिस्टर में दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे एंट्रीज हैं, इसमें से हम मान लेते हैं कि आपने जो ये राम अकाउंट को सेल कर दिया है इसे आप नहीं देखना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका टोटल 50,220 रुपये 80 पैसा दिख रहा है। अब आप चाहते हैं कि इस राम अकाउंट का जो सेल एंट्री है ये मुझे नहीं दिखे है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्पेस प्रेस करेंगे, ठीक है। स्पेस प्रेस करने के बाद क्या होगा दोस्तों, ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये जो एंट्री है सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब क्या करना है, अगर आप इसे नहीं देखना चाहते हैं तो यहीं पे क्या करेंगे, ऑल्ट प्लस आर प्रेस करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप ऑल्ट प्लस आर प्रेस करेंगे वो एंट्री यहाँ से हाइड हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, समझ में आया। अगर आप किसी एंट्री को हाइड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, उस एंट्री को सिलेक्ट कर लेना है स्पेस प्रेस करके, ठीक है। इस तरह से अगर दो एंट्री को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तीन एंट्री को सिलेक्ट करना चाहते हैं, स्पेस प्रेस करके आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे और प्रेस करेंगे ऑल्ट आर, ठीक है। जैसे ही ऑल्ट आर प्रेस करेंगे वो सारा का सारा सिलेक्टेड एंट्री हाइड हो जाएगा, क्लियर है। अब मान लेते हैं कि उन एंट्रीज को आपको वापस से फिर से देखना है तो आपको क्या करना होगा, कंट्रोल प्लस यू प्रेस करना होगा। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस यू प्रेस करेंगे दोस्तों आपका सारा का सारा एंट्री यहाँ पे वापस से दिख जाएगा, ठीक है। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि एक बार में सारे का सारा एंट्री सिलेक्ट हो जाए तो उसके लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस स्पेस, ठीक है। कंट्रोल प्लस स्पेस अगर आप प्रेस करते हैं तो आपका सारा का सारा एंट्री एक बार में ही सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इसमें से कोई एंट्री को आप डीसेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे मान लेते हैं कैश वाले एंट्री को आप डीसेलेक्ट करना चाहते हैं तो इसे आप स्पेस प्रेस करके डीसेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हाइड करना चाहते हैं सिलेक्टेड एंट्री को तो क्या करेंगे, ऑल्ट प्लस आर प्रेस करेंगे, ठीक है। और फिर अगर उसे देखना चाहते हैं बारी बारी से अगर देखना चाहते हैं तो ऑल्ट प्लस यू प्रेस करेंगे ऐसे, ठीक है, ऑल्ट प्लस यू प्रेस करेंगे। अगर एक ही बार में सारे एंट्रीज को फिर देख लेना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस यू प्रेस करेंगे। क्लियर दोस्तों, समझ में आया। यानी कि सिलेक्ट करने के लिए आप क्या प्रेस करेंगे, स्पेस प्रेस करेंगे, हाइड करने के लिए क्या प्रेस करेंगे, ऑल्ट प्लस आर प्रेस करेंगे, फिर से उस एंट्री को वापस देखने के लिए क्या करेंगे, ऑल्ट प्लस यू प्रेस करेंगे, एक बार में पूरे एंट्री को सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस करेंगे, और हाइड किए हुए एंट्रीज को अगर एक बार में आप देखना चाहते हैं, एक बार में अगर आप सारे हाइड किए हुए एंट्रीज को देखना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस यू प्रेस करेंगे। क्लियर है दोस्तों, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। दोस्तों नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारा कंट्रोल प्लस क्यू। आइए देखते हैं इसका क्या यूज है। सपोज मान लेते हैं कि आपने ये वाउचर ओपन किया, ठीक है। ओपन करने के बाद आप आ गए इसमें यहाँ पे, ठीक है। अब अगर आप इस एंट्री से बाहर जाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, एस्केप एस्केप प्रेस करेंगे, फिर आपसे पूछेगा क्विट, आप यस नो प्रेस करेंगे, तब जाकर के आप इस एंट्री से बाहर जाएंगे, है ना। अगर आप डायरेक्ट इस एंट्री से बाहर चले जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, कंट्रोल प्लस क्यू प्रेस करेंगे। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस क्यू प्रेस करेंगे आप पूरा का पूरा एंट्री से बाहर चले जाएंगे, ठीक है। आपको बार बार एस्केप प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है दोस्तों। दोस्तों अगला हमारा शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस सी। मान लेते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर अकाउंट के लेजर में जाते हैं, जैसे डिस्प्ले अकाउंट्स बुक लेजर, मैं यहाँ पे मोहन का लेजर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब इस लेजर में आप मोहन के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं, वो मोहन का एड्रेस वगैरह जानना चाहते हैं, तो क्या करना होगा आपको,
आप क्या करेंगे, मोहन अकाउंट में जाएंगे, कंट्रोल प्लस इंटर करके इसका डिटेल देख सकते हैं, या फिर आप अकाउंटिंग इन्फो में जाकर के वहां से लेजर अल्ट्रेशन में जाकर के आप मोहन का डिटेल्स देख सकते हैं। ठीक है, तो इतना करने का जरूरत नहीं है दोस्तों, आप यहीं से मोहन का पूरा डिटेल देख सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहां पे प्रेस करना होगा ऑल्ट प्लस सी। ठीक है, जैसे ही आप ऑल्ट प्लस सी प्रेस करेंगे आपको मोहन अकाउंट से रिलेटेड सारे जानकारी यहाँ पे दिख जाएगी। क्लियर है दोस्तों, यानी कि अगर आपको मोहन अकाउंट के बारे में ज़्यादा जानकारी लेना है, आप उसका एड्रेस वगैरह जानना चाहते हैं, तो आपको लेजर अल्ट्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जिस लेजर में है वहीं पे ऑल्ट प्लस सी प्रेस कर देंगे तो आपको उसका पूरा डिटेल दिख जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा एक छोटा सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। और दोस्तों अगर आप हमारे इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।